जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है मंगल का दोष कैसे दूर करें नीम के पेड़ की पूजा करके। जानेंगे इसी के विषय में कुछ खास और विशेष जानकारी, तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं मंगल दोष को दूर करने के लिए कैसे करें नीम की पूजा। मित्रों, जो हमारे मित्र इस वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आप हमारे वीडियो को लाइक किया करें ताकि आपके एक लाइक से हमें नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मित्रों, आइए मित्रों जानते हैं कैसे करें नीम के पेड़ की पूजा जिससे हो जाए अपना मंगल दोष दूर। मित्रों, मंगल ग्रह की दिशा दक्षिण मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र में नीम के पेड़ को मंगल माना गया है। लाल किताब के अनुसार नीम का पेड़ मंगल की स्थिति तय करता है कि मंगल का शुभ असर देगा या नहीं। यदि दक्षिण का द्वार है या मंगल खराब है तो दक्षिण दिशा में नीम का पेड़ लगाना चाहिए। इसी के साथ नीम के पेड़ को मंगल देव और हनुमान जी मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। मित्रों, नीम का पेड़ साक्षात मंगल देव है। इसकी पूजा करने से मंगल दोष दूर होता है और मंगल देव व हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार को नीम के पेड़ में शाम को जल चढ़ाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार करें। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होता है। मित्रों, नीम में जल अर्पण करने के साथ ही फूल और मिठाई भी अर्पण करें। घर के पास नीम का पेड़ लगाएं और नित्य इसमें जल अर्पित करने से मंगल ग्रह के सभी दोष दूर हो जाते हैं। मित्रों, इस पेड़ की सेवा करने से आपके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा और मंगल दोष दूर हो जाएगा। नीम की पूजा करने और इसकी दातून करने से शनि दोष भी समाप्त हो जाता है। मित्रों, ज्योतिष में कहीं कहीं नीम का संबंध शनि को भी और कहीं कहीं केतु को भी जोड़ा गया है, इसलिए दोनों ही ग्रह की शांति हेतु उचित दिशा में नीम का पेड़ लगाया जा सकता है। मित्रों, नीम की लकड़ी से हवन करने से शनि की शांति होती है। इसके पत्तों को जल में डालकर स्नान करने से केतु संबंधी समस्याएं दूर होती है। नीम की लकड़ी की माला धारण करने से शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। मित्रों, यदि आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है या आपकी राशि मकर या कुंभ राशि है तो नीम का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। मित्रों, ये थी कुछ विशेष तरह की जानकारी नीम के पेड़ के बारे में और नीम के पेड़ के द्वारा हम कैसे मंगल दोष दूर कर सकते हैं। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों, जय श्री श्याम।